जड़। कौन सा पार्ट है? जड़। उसको मूल कहते हैं, रूट कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। देखिए जड़ जैसा कि जानते हो, जड़ कहां से बनती है? मूल अंकुर से बनती है। जड़ कहां से बनती है? मूल अंकुर से। मूल अंकुर को रेडिकल कहते हैं। मूलांकुर क्यों कहते थे? रेडिकल कहते हैं। और मूलांकुर क्या करता है? जड़ क्या करती है? जड़ प्रकाश के विपरीत अंधकार की तरफ जाती है, जमीन की तरफ जाती है, प्रकाश के विपरीत जाती है जड़। ठीक है, तो क्या है ये? नकारात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। नकारात्मक प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती होती है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहेंगे? निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है। ठीक है, दूसरी क्या बात होती है इसमें? चूंकि ये प्रकाश के विपरीत जाती है और जमीन के भीतर जाती है, मिट्टी के भीतर जाती है, जल की तरफ जाती है। किधर जाती है? जल की तरफ। तो ये सकारात्मक जलानुवर्ती होती है। सकारात्मक जलानुवर्ती, जलानुवर्ती। ठीक है, यानी कि इसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है इसमें। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है? चौथी चीज क्या है? ये जमीन की तरफ आकर्षित होती है, जमीन की तरफ जाती है, इसीलिए इसको सकारात्मक भूम्यानुवर्ती कहते हैं। सकारात्मक भूम्यानुवर्ती। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज, जियो मतलब लैंड, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज होती है। ठीक है, फिर पांचवा क्या है? इस ये चीजें हो गई, और पांचवा है इसके ऊपर तुम्हारी मूल लोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं जड़ में। ठीक है, जड़ क्लोरोफिल रहित होता है, क्लोरोफिल रहित होता है। ठीक है, जड़ का जो भाग है क्लोरोफिल रहित होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी हिस्टोलॉजी, इसकी औतिकी में भी अंतर होता है। जड़ की औतिकी और उसकी तने की औतिकी में अंतर होता है। तो ये और कोश की रोम कैसे होते हैं? एक कोष की होते हैं। रोम कैसे होते हैं? एक कोष की होते हैं। ठीक है, एक कोष की मूल रोम होते हैं। छठा मूल रोम एक कोष की होते हैं। ठीक है, मूल रोम एक कोष की होते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद मूल रोम एक कोष की होते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है कि ये पौधे का अवरोही भाग है। जड़ पौधे का कैसा भाग है? अवरोही भाग है। ठीक है, अवरोही क्यों कहते हैं? अवरोही क्यों कहते हैं? देखिए, आरोही और ही दो चीज होती है, एसेंडिंग और डिसेंडिंग। आरोही को एसेंडिंग कहते हैं और अवरोही को डिसेंडिंग कहते हैं। हाँ बोलो, क्या कहना है? मूल लोम भी पाए जाते हैं इसके ऊपर, और इसके शरीर, इसके जो तुम्हारे शीर्ष पर, जड़ के शीर्ष पर मूल गोप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मूल गोप। ठीक है, इसको रूट कहते हैं। मूल गोप पाया जाता है, मूल गोप को रूट कहते हैं। ठीक है, मूल गोप को रूट कहते हैं। तो ये तुम्हारे जड़ के सभी महत्वपूर्ण भाग हो गए। ठीक है, और इनमें जो है जो शाखाएं निकलती हैं, प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ निकलती हैं, वो इंडोजिनस होती है, अंतर्जात होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे जड़ के सामान्य लक्षण हो गए। ओके, धन्यवाद।